लखनऊ से बड़ी खबर, ब्लैक फंगस का कहर लगातार जारी है। जी हां, अब तक 13 मरीजों की आंख को निकाला गया है। वहीं राजधानी के विभिन्न अस्पतालों में ये मरीज भर्ती थे। 13 मरीजों को फंगस के असर से उनकी आंखें निकालनी पड़ी है। ब्लैक फंगस के असर ने जीवन में अंधेरा किया हुआ है। तो लगातार इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां एक तरफ लोग कोरोना से परेशान थे, तो वहीं अब दूसरी तरफ देखा जाए तो ब्लैक फंगस लगातार लोगों का जो संक्रमण है वो बढ़ाता जा रहा है। आपको बता दें कि 13 लोगों की आंखें अभी तक निकाली जा चुकी हैं। लगातार ब्लैक फंगस का कहर राजधानी पर बरसता हुआ दिखाई दे रहा है। तो बड़ी खबर इस वक्त की लखनऊ से सामने आ रही है, ब्लैक फंगस का कहर लगातार जारी है। जी हां, अब तक 13 मरीजों की आंख को निकालना पड़ा है। वहीं राजधानी के विभिन्न अस्पतालों में ये मरीज भर्ती थे, जहां उनका इलाज चल रहा था। इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है दिल्ली से। तो बड़ी खबर दिल्ली से है, स्वास्थ्य मंत्रालय वैक्सीन के लिए एडवांस पेमेंट करेगा। कोरोना वैक्सीन की 30 करोड़ डोज के लिए ये पेमेंट होगा। वैक्सीन निर्माता बायोलॉजिकल ई को पेमेंट किया जाएगा। वैज्ञानिकों ने वैक्सीन बनाकर बड़ी उपलब्धि हासिल की है। तो लगातार बड़ी खबर दिल्ली से सामने आ रही है। वैक्सीन के उत्पादन बढ़ाने के लिए केंद्र ने कई कदम उठाए हैं। तो बड़ी खबर दिल्ली से हम आपको बता रहे हैं, स्वास्थ्य मंत्रालय वैक्सीन के लिए अब एडवांस पेमेंट करेगा। जी हां, कोरोना वैक्सीन की 30 करोड़ डोज के लिए ये पेमेंट होगा। वैक्सीन निर्माता बायोलॉजिकल ई को पेमेंट किया जाएगा। वैज्ञानिकों ने वैक्सीन बनाकर बड़ी उपलब्धि हासिल की है। वैक्सीन बायोलॉजिकल ई द्वारा निर्मित स्टोर की जाएगी। वहीं वैक्सीन के उत्पादन बढ़ाने के लिए केंद्र ने कई बड़े कदम उठाए हैं। फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए प्राइम टीवी।